दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हॉट और बोल्ड सीन करते वक्त हीरो हीरोइन खुद पर काबू नहीं रख पाते और सीन में ही खो जाते हैं। कई बार तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि डायरेक्टर ने कब कट बोला। इस तरह के डेडिकेशन की लोग कभी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कई बार इतना ज्यादा डेडिकेशन शर्मिंदगी का कारण भी बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हाल ही में एक्ट्रेस सोनाली राउत और युवराज पराशर के साथ। एक खबर के मुताबिक दोनों अपनी वेब सीरीज लव लाइफ के लिए एक एंटीमेंट सीन की शूटिंग कर रहे थे। इस सीन को लेकर सोनाली राउत और युवराज पराशर पहले झिझक रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह का बोल्ड और एंटीमेंट सीन नहीं किया था। यही सोचकर इन दोनों ने फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि वो एक ही टेक में इस सीन को शूट करें। डायरेक्टर मान गया और बोला कि जब तक कट ना बोले शूट चलने दें। और जैसे ही शावर चालू किया गया और शूट शुरू हुआ, फिर क्या था, सोनाली राउत और युवराज पराशर इस एंटीमेंट सीन में इस कदर घुस गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब डायरेक्टर ने कट बोला। जब कट बोलने पर भी सोनाली और युवराज नहीं रुके तो डायरेक्टर ने कैमरामैन से कहा कि वो कैमरा ऑन रखे, क्योंकि उसे वही फुटेज मिल रहा था जो उसे चाहिए था। जब डायरेक्टर का काम पूरा हो गया तो उसने सोनाली और युवराज के कान के पास जाकर फिर से कट बोला। जैसे ही सोनाली और युवराज को इसका एहसास हुआ, उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वो इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि जो शूट डायरेक्टर को चाहिए था हमने सेम वही किया। तो दोस्तों, अगर डायरेक्टर थोड़ी देर और कट ना बोलता तो क्या होता, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।